हेलो, गुड मॉर्निंग दोस्तों। 12 फरवरी 2018 की प्रीलिम्स अपडेटर सीरीज में आपका स्वागत है। यहाँ पे हम द हिंदू की इंपॉर्टेंट न्यूज़ के साथ कुछ एमसीक्यूज हैं और पीआईबी की न्यूज़ है वो डिस्कस करेंगे। तो चलिए हमारी डिस्कशन है वो स्टार्ट करते हैं। तो आज सबसे पहले जो न्यूज़ है वो आई है मेनली, उसके बारे में देख लेते हैं। तो सबसे पहले न्यूज़ है वो आई है व्हाइट नेप्ड टिटबर्ड के बारे में। तो इसके बारे में देख लेते हैं कि व्हाइट नेप्ड टिटबर्ड है क्या। तो ये तो इसके आप इमेज है वो देख सकते हो। कंटेक्स्ट एक्चुअली ये था कि भी 21वां जो बर्ड मेला है वो जयपुर में आयोजित हुआ था। तो कंटेक्स्ट तो इंपॉर्टेंट है, सीधी सी बात ये। आगे चलते हैं इस बर्ड के बारे में। तो ये बर्ड जो है हमारे लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है क्योंकि है इंडेमिक है। मतलब इंडेमिक का मतलब होता है कि है केवल एक पर्टिकुलर एरिया में ही पाया जाता है। जैसे यह इंडिया के जो मेनली ड्राई एरिया मतलब शुष्क एरिया है उन भागों में पाया जाता है, जैसे कि वेस्टर्न एरिया हो गया, राजस्थान गुजरात का एरिया, या फिर दक्कन का कुछ एरिया जो कर्नाटक के हिस्से में आता है, मतलब जहाँ पर सूखा एरिया होता है उस एरिया में ये पक्षी पाए जाते हैं। इंडेमिक है। इसके साथ ही IUCN की जो वल्नरेबल लिस्ट है उसमें शामिल है और अभी लगातार ये लुप्त होने की कैटेगरी की तरफ अग्रसर है। मतलब यह लुप्त होने की दिशा में लगातार बढ़ता जा रहा है क्योंकि इसका जो आवास है, हैबिटेट है, वो लगातार खतरे में खत्म होता जा रहा है। तो इसीलिए यह न्यूज़ में है, तो हमें इस बर्ड के बारे में थोड़ा पता होना चाहिए। अब चलते हैं हम आगे। अगले जो न्यूज़ है वह है सौधार ग्रह स्कीम के बारे में। तो देखते हैं कि सौधार ग्रह स्कीम है क्या। तो देखते हैं कि सौधार ग्रह स्कीम है, यह मेनली वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट मिनिस्ट्री के द्वारा स्टार्ट की गई थी, हेल्प ऑफ एनजीओ, मतलब एनजीओ की हेल्प से इसे स्टार्ट किया गया था। अब इस स्कीम में क्या प्रावधान है, इस स्कीम में देखो गवर्नमेंट ये प्रावधान लेके आई थी ताकि जो वुमेन जिनकी हालत अच्छी नहीं है, मतलब जिनको घर वगैरह नहीं है रहने के लिए, उनको गवर्नमेंट घर प्रोवाइड करवाएगी रहने के लिए। इसके साथ उनको खाना दिया जाएगा, उनको कपड़े वगैरह है वो प्रोवाइड कराए जाएंगे, और वुमेन्स को मतलब जो भी सेफ्टी वगैरह वो सारे स्टैंडर्ड उनको प्रोवाइड करवाए जाएंगे। अब देखो दिक्कत यह है कि कई बार क्या होता है कि जैसे जो बॉर्डर के एरियाज होते हैं या फिर कई बार कुछ एरियो में महिलाओं को मतलब घर से बाहर निकल जाता है, या फिर जो विडो वुमेंस होती हैं उनको घर से बाहर या गांव से बाहर कर दिया जाता है। तो काफ़ी सारे केस होते हैं कि जहाँ पे वुमेंस के पास कोई ऑप्शन नहीं होता है, उनकी कोई हेल्प नहीं करता। तो उस कंडीशन में गवर्नमेंट ने यह चला है कि जिन वुमेन या जिन महिलाओं या लड़कियों को हेल्प की जरूरत है उनके लिए गवर्नमेंट ने वो हेल्प करेगी सौधार ग्रह स्कीम के तहत। इसमें उनको आवास है, पुनर्वास के लिए गवर्नमेंट उनको घर प्रोवाइड करवाएगी, खाना ETC वो सारे फैसिलिटी वो प्रोवाइड करवाई जाएंगी, और ये NGO की हेल्प से इसे लागू किया जाएगा। तो उसको लेकर भी न्यूज़ आई थी कि एक जगह इस जगह पर सौधार ग्रह वो खोले गए, उसको लेके कंटेक्स्ट था। अब चलते हैं हम आगे। अगली जो न्यूज़ है वह है सी बॉक्स के बारे में। तो देखते हैं कि क्या सी बॉक्स है। सी बॉक्स है यह मेनली एक ऑनलाइन कंप्लेंट मैनेजमेंट पोर्टल है। अब इसमें यह प्रावधान किया गया कि देखो जब वुमेन कोई भी वर्क एरिया में काम करती हैं, कोई भी वर्क प्लेस पे, तो वहाँ पे उनके साथ सेक्सुअली हरासमेंट के काफ़ी केसेस आती हैं। तो उस कंडीशन में क्या कि वो रिपोर्ट वगैरह वो नहीं अरेंज करवा, मतलब FIR वगैरह वो दर्ज नहीं करवा पाती। तो इसीलिए गवर्नमेंट ने एक ऑनलाइन पोर्टल खोला कि भाई जहाँ भी वो वुमेन काम करी हैं तो ऑनलाइन पोर्टल के थ्रू अपनी कंप्लेंट है वो रजिस्टर करवा सकती हैं और उसका जल्द सोल्यूशन किया जाएगा। अब इसमें यह प्रावधान किया गया है कि कोई भी महिला को किसी भी मतलब वर्क प्लेस में अगर उन्हें सेक्सुअली हरासमेंट या उन्हें प्रताड़ित या छेड़खानी की जाती है, उस कंडीशन में महिला ऑनलाइन रिक्वेस्ट डाल सकती है, ऑनलाइन कंप्लेंट डाल सकती है सी बॉक्स वेबसाइट के थ्रू, और वहां पे ये होगा कि वो कंप्लेंट है वो जाएगी इंटरनल कंप्लेंट कमेटी के पास, फिर वो कमेटी है वो जो भी रिलेटेड मिनिस्ट्री है उस काम से रिलेटेड उस मिनिस्ट्री के पास पहुंचा देगी, फिर मिनिस्ट्री उसके लिए जो भी सोल्यूशन होगा बेस्ट सोल्यूशन वो प्रोवाइड करेगी। तो ये पूरी प्रोसेस थी। तो इसके बारे में देखा तो कंटेक्स्ट एक्चुअली ये था कि भी सी बॉक्स के तहत गवर्नमेंट के पास कुछ कंप्लेंट आई है, तो उनके बारे में था कि गवर्नमेंट के पास इतनी कंप्लेंट आई है, अप्रोक्स 167 के आसपास कंप्लेंट थी। तो कंटेक्स्ट तो इतना इंपॉर्टेंट नहीं था, बट हमारे लिए जो वो न्यूज़ है वो इंपॉर्टेंट हो जाती है, और वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट मिनिस्ट्री के द्वारा इसे स्टार्ट किया गया था। अब चलते हैं हम आगे। अगली न्यूज़ है वो थी व्हाइट नेप टिटबर्ड के बारे में, जो हमने डिस्कस कर लिया, और मेनली कौन से एरियाज में पाई जाती है UPSC पूछ सकती है। तो ये ध्यान रखना कि सूखे जो एरिया है वहाँ पे पाई जाती है, साउथ इंडिया में पाई जाती है मेनली, है दक्कन का जो एरिया है जो कि मेनली कर्नाटक वाले एरिया में आता है, कुछ एरिया जहाँ पे काफ़ी सूखा रहता है उस वाले एरिया में पाई जाती है। अगला था वो था ग्रेट इंडिया ब्लॉक ट्रेन के बारे में। ये कैंपेन है, इसके बारे में हमने 8 तारीख को क्वेश्चन भी डिस्कस किया था, उसके आंसर नहीं हो पाए थे, तो आज इसको भी हम डिस्कस भी कर लेते हैं। ग्रेट इंडिया ब्लॉक ट्रेन है, यह मैंने टूरिज्म मिनिस्ट्री के द्वारा कैंपेन स्टार्ट किया गया है, और इसके साथ टूरिज्म मिनिस्ट्री के साथ कुछ कोलाबरेट कर रहे हैं कुछ ऑर्गेनाइजेशन, जैसे कि राजस्थान महाराष्ट्र और कर्नाटक के जो टूरिज्म सेक्टर हैं वो भी इसके साथ मतलब मिले हुए हैं। इसके साथ IRCTC जो ऑनलाइन टिकट वगैरह बनाते हैं वो वेबसाइट, मतलब जो एक ग्रुप है प्रॉपर ही है, ये ग्रुप है, यह भी इसके साथ मिलकर काम कर रहा है। अब इसमें होगा क्या, इस कैंपेन के तहत गवर्नमेंट ने चाह रही है कि जो फॉरेनर्स लोग हैं उनको एक्चुअली इंडिया की लग्जरी ट्रेन है उसकी यात्रा है उसको प्रमोट करने के लिए उनको मौका दे दें। मतलब अभी गवर्नमेंट क्या करेगी, स्टार्टिंग में कुछ लोगों को लग्जरी ट्रेन में यात्रा करवाएगी ताकि वो लोग करेंगे ज़्यादा से ज़्यादा अपनी ट्रेन के बारे में, लग्जरी ट्रेन के बारे में फॉरन में जाके बताएं, और जिससे ये हो कि इंडिया का लग्जरी ट्रेन का जो काफ़ी पॉपुलर होती है वर्ल्ड में उसको इनकम भी हो और इंडिया को भी रेवेन्यू हासिल हो और इंडिया की लग्जरी ट्रेन की वैल्यू वो बढ़े। इसके लिए गवर्नमेंट के द्वारा स्टार्ट किया गया है ग्रेट इंडिया ब्लॉक ट्रेन।
अब चलते हैं हम आगे। अगली जो न्यूज़ है वो है ऑपरेशन कैक्टस के बारे में, और ऑपरेशन कैक्टस वो काफ़ी न्यूज़ में था तो इसको देख लेते हैं। ऑपरेशन कैक्टस है वो मेनली 1988 में आया था। अब आया इसलिए था कि देखो मालदीप में क्या होता, मालदीप में सीन ऐसा होता 1988 के टाइम पे कि वहाँ पे जो उस टाइम पे जो करंट प्रेसिडेंट थे वो अपनी सत्ता बदल रहे थे, मतलब सत्ता परिवर्तन का खेल चल रहा था। तो उस कंडीशन में इंडिया ने वहाँ पे इंटरफेरेंस किया था, इंडिया की नेवी है वो वहाँ गई थी और वहाँ उन्हें सत्ता पलट से रोका था। तो वहाँ पे एक तरीके से उस टाइम पे संवैधानिक क्राइसिस आ गए थे, सेम जैसे आज हालात हो रखे हैं मालदीव में उसी तरह के हालात थे। तो इसीलिए न्यूज़ में था तो हमें पता होना चाहिए कि जो ऑपरेशन कैक्टस है वो किस रिलेटेड है, और उस टाइम पे इंडिया की जो INS गोदावरी और INS जो बेतवा है इनकी हेल्प से इस प्रोजेक्ट को अंजाम में किया गया था या उस ऑपरेशन को कम्प्लीट किया गया था। अब चलते हैं हम आगे। अगले जो न्यूज़ है वो मेनली आई है जनांद्रीय फेस्टिवल के बारे में, तो देखते हैं कि जनांद्रीय फेस्टिवल क्या है, इसके बारे में भी एक दो पॉइंट देख लेते हैं। जनांद्रीय फेस्टिवल है यह मेनली एक एनुअल फेस्टिवल है सऊदी अरब का, तो यह ध्यान रखना कि इंडिया का फेस्टिवल नहीं है, सऊदी अरब का है। न्यूज़ में भी इसलिए है क्योंकि इंडिया को इसमें गेस्ट ऑफ ऑनर का मौका दिया गया था इस बार, और इंडिया मतलब यहाँ के जो मुख्य अतिथि हैं तो भारत के प्रधानमंत्री इस बार इसमें पार्टिसिपेट कर रहे हैं, तो उसको लेकर न्यूज़ थी तो हमने इसे देख लिया। इसमें होता क्या है, जनांद्रीय जो फेस्टिवल है यह मेनली जो वहाँ के सऊदी अरब के जो लोग हैं वहाँ की विरासत को मनाने के लिए, वहाँ के सांस्कृतिक कल्चर लेसन उनको आदान प्रदान करने के लिए फेस्टिवल को मनाया जाता है। तो ये थी कुछ न्यूज़ जो हमने डिस्कस की। इसके साथ ही देखो बाद मंडे तो इतनी कुछ न्यूज़ अभी आई नहीं है, तो एक दो हम जो भी न्यूज़ हैं वो देख लेते हैं, PIB की इनको रिवाइज कर लेते हैं पहले। तो सबसे पहले हमने आज डिस्कस किया वो क्या सौधार गृह स्कीम के बारे में, जो कि वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट मिनिस्ट्री के द्वारा स्टार्ट की गई थी। इसके बारे में ये था कि जो महिलाएं जिनको मतलब रहने के लिए घर वगैरह नहीं है गर्ल्स के लिए, उनको पुनर्आवास है वो दिया जाएगा, इसके बाद उनको फूड वगैरह वो प्रोवाइड करवाए जाएंगे। इसके साथ हमने देखा कि सी बॉक्स है वो एक ऑनलाइन कंप्लेन पोर्टल है जो कि वुमेन्स को जो वर्क प्लेस में सेक्सुअल हरासमेंट की कोई भी केस आती है उस कंडीशन में सपोर्ट देने के लिए। इसके बाद में हमने व्हाइट नेप टीट बर्ड के बारे में देखा, जिस जो कि इंडिया में इंडेमिक है और कुछ जो शुष्क भाग है उन्हीं में पाया जाता है, और यह मेनली IUCN की वल्नरेबल लिस्ट में है, बट यह भी लगातार लुप्त होने की तरफ अग्रसर है। इसके बाद में हमने देखा ग्रेट इंडिया ब्लॉक ट्रेन, जो कि टूरिज्म मिनिस्ट्री प्लस राजस्थान महाराष्ट्र और कर्नाटक की टूरिज्म सेक्टर के द्वारा और IRCTC के द्वारा से स्टार्ट किया गया। इसमें होगा क्या, फॉरेनर्स को लग्जरी ट्रेन में यात्रा करवाई जाएगी फ्री, ताकि वो वहाँ पे बता सकें और मतलब इंडिया का ट्रेन सेक्टर वो प्रमोट हो। इसके बाद में ऑपरेशन कैक्टस देखा और जनांद्रीय फेस्टिवल देखा कि जो कि मेनली सऊदी अरब का एक फेस्टिवल है और वहाँ पे कल्चरल लेसन को आदान प्रदान करने के लिए इसे मनाया जाता है। तो अब देखते थे हम कुछ क्वेश्चंस। देखो आज मैं क्वेश्चंस नोट डाउन तो नहीं कर पाया हूँ, बट आपको क्वेश्चंस कुछ वैसे बता देता हूँ। आज का सबसे पहला आपको जो क्वेश्चन है वो है इनकोर के बारे में, तो आपको ये बताना है कि इनकोर है क्या, INCOR, इनकोर के बारे में बताना है आपको है कहीं। इसके बाद में अगला है वो दो तीन क्वेश्चन ही है, पहला आपको बताना है कि ऑपरेशन पोलो किससे रिलेटेड है, फिर अगला बताना है कि ऑपरेशन विजय, ऑपरेशन एक्शन, ऑपरेशन पोलो, ऑपरेशन विजय। इसके बाद में आपको बताना है कि ऑपरेशन मेघदूत कहाँ से रिलेटेड है, क्योंकि देखो UPSC मैच द फॉलोइंग में इनको अरेंज करवा सकते हैं, अभी कैक्टस न्यूज़ में था तो इसलिए हम इसको देख लेते हैं। इसके साथ ही आपको बताना है ऑपरेशन विराट, तो ये आपको बताना है, विराट कोहली नहीं है ये, मतलब आपको चारों बताने हैं कि कौन कौन से कहाँ कहाँ ये ऑपरेशन हुए थे, कहाँ कहाँ इंडियन आर्मी इंडियन नेवी ने कहाँ कहाँ इनको अंजाम दिया था। तो ये मेनली पांच क्वेश्चन आपके हो गए। इसके साथ ही एक न्यूज़ थी छोटी सी, मतलब क्वेश्चन की फॉर्म में डिस्कस कर लेते हैं उसको, वो थी ग्लोबल IP इंडेक्स के बारे में, तो ग्लोबल इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी इंडेक्स है उसके बारे में थी, तो आपको बताना है कि ग्लोबल इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी इंडेक्स कौन जारी करता है। अगर आपने सोच लिया होगा तो चलो मैं आंसर बताता हूँ, इसका आंसर ये है कि ग्लोबल इनोवेशन पॉलिसी सेंटर है उसके द्वारा ये जारी किया जाता है, और इंडिया की इस बार रैंकिंग है वो इसमें काफ़ी सुधरी है। इसमें मेनली इस चीज़ पे फोकस किया जाता है कि जो इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट है, जो बौद्धिक संपदा का अधिकार है, उसमें किस तरीके की वहाँ पे पॉलिसी वगैरह है, किस तरीके की गवर्नमेंट वहाँ पे राइट्स वगैरह पेटेंट वगैरह के लिए, तो इस बार इंडिया की जो इसमें रैंकिंग है वो सुधरी है, तो उसको लेकर न्यूज़ थी तो हमने क्वेश्चन की फॉर्म में इसे डिस्कस कर लिया। तो ये कुछ थी, इसके साथ हम कल के कुछ क्वेश्चन थे वो देख लेते हैं। तो कल का मेनली पहला क्वेश्चन था वो था टाइगर सेंसस 2018 के बारे में, तो टाइगर सेंसस 2018 है इसमें तीन ऑप्शन तीन स्टेटमेंट दिए गए थे। पहला स्टेटमेंट था कि वाइल्ड लाइफ का सबसे बड़ा एक सेंसस है, हाँ ये बिल्कुल सही है। दूसरा था कि नेशनल वाइल्ड लाइफ कंजर्वेशन अथॉरिटी और वाइल्ड लाइफ इंस्टीट्यूट है इंडिया का, उन दोनों के द्वारा इसे स्टार्ट किया गया, तो वो भी बिल्कुल सही है। इसके बाद में था कि जो भारत के पड़ोसी देश हैं जिनमें भूटान नेपाल और बांग्लादेश हैं, इनका कोऑर्डिनेशन है, इनकी हेल्प से इस प्रोजेक्ट को अंजाम वो दिया जाएगा। इसके बाद में था वो था सेंटर फॉर साइंस एंड एनवायरमेंट CSE के बारे में आपको बताना था, तो वो क्वेश्चन था उसका मतलब ये था वो था कि पब्लिक CSE क्या है, तो ये था कि पब्लिक इंटरेस्ट एक रिसर्च एंड एडोसी ऑर्गेनाइजेशन है, मतलब यह था एक थिंक टैंक है इन्वायरमेंट से रिलेटेड। तो इसमें UPSC ऑप्शन दे सकती है कि क्या ये एक थिंक टैंक है जो इन्वायरमेंट डेवलपमेंट से डील करता है इश्यूज वगैरह, तो हाँ जी ये बिल्कुल एक
थिंक टैंक है, इसके साथ ये पब्लिक इंटरेस्ट रिसर्च एंड एडवोकेसी ऑर्गेनाइजेशन है। इसका काम जैसे अभी बताया कि क्लाइमेट और डेवलप क्लाइमेट इन्वायरमेंट के साथ डील करता है, इसके साथ ही रिसर्च वगैरह करना और जो क्लाइमेट से संबंधित जो भी पॉलिसी है, क्लाइमेट शिफ्टिंग के बारे में जानकारी वगैरह करना, लोगों को अवेयर करना, इसका सीएसई का काम है। तो देखो हम कुछ क्वेश्चन हैं वो मेनली डायरेक्टली ऐसे मौखिक भी डिस्कस कर सकते हैं, क्योंकि डेली डेली अगर ऐसे कुछ लिख के अगर हम डिस्कस करेंगे तो हमारा काफ़ी टाइम कंज्यूम हो जाता है और अभी एग्जाम काफ़ी क्लोज है, तो डेली हम 2-4 क्वेश्चन इस फॉर्म में भी एक्स्ट्रा डिस्कस कर लेंगे ताकि ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन भी डिस्कस हो जाएंगे और हमारा जो काम है वो भी कंप्लीट हो जाएगा। तो आज की डिस्कशन में इतना ही, थैंक यू वेरी मच फॉर डिस्कशन।